हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज। तो आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर में 3D आइसोमेट्रिक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। अभी टेक्स्ट लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हो, 3 वर्ड्स लीजिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ, जस्ट इसी को कॉपी करके, ऑल्ट से कॉपी करके यहाँ पे ये, और लास्ट में कुछ इस तरह से। और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, रोबोटो करके फॉन्ट है, ये आपको इजीली मिल जाएगा, डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना है, सीधे में जाना है इफेक्ट्स 3D और रोटेट में जाना है। यहाँ से हमें पोजीशन में जाके इसको करना है आइसोमेट्रिक टॉप, याद रखिएगा आइसोमेट्रिक टॉप, ओके कर देना है। सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वापस 3D रोटेट, और अभी हमें करना है आइसोमेट्रिक राइट। उसके बाद तीसरा टेक्स्ट इफेक्ट्स 3D रोटेट, और इसको करना है आइसोमेट्रिक लेफ्ट। तो ये तो इजी है, इजी पार्ट। अभी देखो इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, और जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है उसको रोटेट करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, हमें परपेंडिकुलर आना चाहिए इसके, ये आप देख सकते हो। अगर चाहे तो आप इसको तीनों को सिलेक्ट करके बड़ा कर सकते हो, ये देखिए। उसके बाद जो फर्स्ट टेक्स्ट है जस्ट, उसको सिलेक्ट कीजिए, उसको आउटलाइन दीजिए वाइट कलर की, ये देखिए वाइट कलर की आउटलाइन, और यहाँ पे रखिए अराउंड 1.3 इसकी विड्थ आउटलाइन की। तीनों को सिलेक्ट करते हैं, तीनों को देखिए 1.3 यहाँ पे दे देते हैं वन बाय वन वाइट कलर 1.3, तीनों को हो गया। अभी इसको वापस मैं सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट को सिलेक्ट किया, सीधा जाना है इफेक्ट्स ट्रांस डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाके, ट्रांसफॉर्म में जाना है। यहाँ पे देखिए कॉपी एक रखिए, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल 6 पॉइंट्स पे लीजिए, और यहाँ पे कॉपीज लीजिए 15, और ओके कीजिएगा। अभी सिमिलरली कूल को सिलेक्ट कीजिए, इफेक्ट डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाइए, वापस एक रखिए, और यहाँ पे वापस अभी हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा हमें, ये देखिए 6, और इसको बढ़ाइए। और ये अगर आप देखें तो ठीक से, अगर इसके डायरेक्शन आपको ठीक नहीं लग रहा है तो ये चेंज कर सकते हो आप, ये देखिए मेरे ख्याल से -3 अगर हम करेंगे वर्टिकल तो ये ठीक से आ जाएगा। ओके, इसके बाद बी को सिलेक्ट कीजिए, वापस जाइए इफेक्ट्स डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाइए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये देखिए, और ये हमें इसको 15 कर देते हैं, और ये हमें ये देखिए कुछ इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको मेरे ख्याल से ये, यस ये ठीक लग रहा है, मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो ये देखिए, ये तो ऑलरेडी आइसोमेट्रिक यहाँ पे बन गया, आधा काम हमारा हो गया यहाँ पे।
इसको प्लेस करना है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड लेना है, बैकग्राउंड जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। सिंपली हमें क्या करना है, बैकग्राउंड ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अभी के लिए मैं येलो बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसको देखिए कंट्रोल शिफ्ट और स्क्वायर ब्रैकेट से पीछे लेके जाता हूँ। इसके बाद तीनों टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और इनको टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइंस कीजिए। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करके देख सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, ये हो गया फर्स्ट कलर कॉम्बिनेशन। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कीजिए और ग्रेडियंट में जाइए। देखिए ग्रेडियंट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, तो ये ग्रेडियंट आप कलर देख सकते हो यहाँ से। ये ब्लू फर्स्ट, सेकंड यहाँ पे ये वाला कलर रेडिश और थोड़ा सा पर्पल और ब्लू का मिक्सचर है, लास्ट में ये कलर। ये कॉम्बिनेशन मैंने चूज़ किया, आप कोई भी चूज़ करके यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट शेड्स। तो इसी को अगर ये सेम चाहिए तो यहाँ पे देखिए सिर्फ सेलेक्ट कीजिए, आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से सिमिलरली इसको सिलेक्ट कीजिए, वापस आई ड्रॉपर टूल लेके, ये देखिए आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आइसोमेट्रिक, 3D आइसोमेट्रिक टेक्स्ट यहाँ पे बन गया बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड का वगैरह कलर चेंज करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे रख सकते हो कुछ इस तरह से। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है, कूल। और टेक्स्ट में भी आप वेरिएशन ला सकते हो, टेक्स्ट की पोजिशनिंग भी आप चेंज कर सकते हो। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपका रिजल्ट रिजल्ट कैसे आया। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछिएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।